Hello everyone, I am your teacher for this particular topic. Let me explain this topic to you. Now, in today's topic, we will discuss about the solid state and उसमें जो हम लोग discuss करेंगे कि magnetic properties कैसे क्या generate होती है और उसमें जो है हम specific variety of magnetism देखेंगे जो कि है आपका ferromagnetism. तो ferromagnetism क्या होता है, क्यों होता है और कैसे generate हो रहा है, ये हम इस particular lecture में देखने वाले हैं. तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि magnetic properties होती क्यों है. तो magnetic properties of an atom arises due to revolution and rotation of electron around the nucleus. तो न्यूक्लियस के आसपास में जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो आपका जो है रिवॉल्व भी करता है और आपका रोटेट भी करता है. तो इसका डायरेक्शन होता है प्लस हाफ और माइनस हाफ. तो यहाँ पे जो है आपका मैग्नेटिक मोमेंट आपका जनरेट होगा क्योंकि चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है. तो इसके बाद हम यहाँ डिस्कस करते हैं इसके कितना कैसा क्या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, मोमेंट जनरेट होता है, राइट. सो द मैग्नेटिक मोमेंट विल बी very small, है ना. यहाँ पे जो भी आप डिफाइन कर रहे हैं अपन, राइट, तो उसके जो आप मैग्नीट्यूड वाइज देखोगे तो वो जो है बहुत छोटा रहेगा. हेंस वी डिफाइन बोर मैग्नेटॉन. तो इसलिए जो है हम यहाँ पे बोर मैग्नेटॉन देख रहे हैं, राइट. तो बोर मैग्नेटॉन में हम क्या कहते हैं कि आपका एक बोर मैग्नेटॉन होगा 9.27 × 10⁻²⁴ एम्पेयर, सॉरी मीटर स्क्वायर, राइट. तो एम्पेयर मीटर स्क्वायर के बराबर होगा. तो सिंस यहाँ पे आप देख रहे हो तो इसका मैग्नीट्यूड बहुत छोटा है, इसलिए जो हमने बोर मैग्नेटॉन BM जो है डिफाइन कर रखा है, ठीक है. अब जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक जो हम लोग यहाँ मेन जो डिस्कशन चल रहा है उसके बारे में कर लेते हैं. तो यहाँ पे बात चल रही है आपकी फेरो मैग्नेटिज्म की, राइट. सो यहाँ पे फेरो मैग्नेटिज्म जो है क्यों होता है वो देखते हैं और कैसे वो बिहेव करता है. सो अ सब्सटेंस विच aligns itself in the direction of the magnetic field and generates a strong अट्रैक्शन, ठीक है. तो आपका जो अगर कोई सब्सटेंस अगर आपका जो है बहुत ही ज्यादा आपका जनरेट कर रहा है अट्रैक्शन फोर्स कोई एक मैग्नेटिक फील्ड में, राइट, उसके बिना भी या फिर उसके साथ भी, राइट. तो उसमें क्या होगा कि आपके जो है यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी ये जो है आप किसी तरीके से अलाइंड है, राइट. तो जैसे मान लीजिए ये आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाया तो यहाँ पे सारे के सारे जो आपके मोमेंट इस डायरेक्शन में अभी दिखा रहे हो वो एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा. तो जिस भी डायरेक्शन में आपका यहाँ पे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड रहेगा उसी डायरेक्शन में वो आपके अलाइंड होंगे, उसके बिना भी वो ऑलरेडी आपके अलाइंड होंगे बट यहाँ पे और प्रॉपरली अलाइन हो जाएंगे. तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि फेरोमैग्नेटिज्म इज one of the extreme case of paramagnetism. So paramagnetism में क्या था कि आपके वहां पे कुछ आपके जीरो हो रहे थे, राइट, जब फील्ड नहीं था और जो है जैसे आपने फील्ड लगाया तो अलाइन हो रहा था. यहाँ पे ऑलरेडी आपके थोड़े बहुत अलाइन रहेंगे और जैसे आप लगाओगे तो वो और भी ज्यादा अलाइन हो जाएंगे. तो यहाँ पे हम कहते हैं कि when no field is applied
नो मैग्नेटिक फील्ड कर देते हैं, एंड नो मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड इट स्टिल शोज अ सिग्निफिकेंट मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहाँ पे आपका मैग्नेटिक मोमेंट पे भी शो होगा। तो यहाँ पे जो है आपको एग्जाम्पल्स याद रखने, तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो आपके जो भी परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं उसमें आपके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, तो फीकोनी है ना, याद रखना है, आयरन, कोबाल्ट और निकल। इसके अलावा आपका कंपाउंड वाइज देखा जाए, अच्छा इसके अलावा एक और है गैंडोलोनियम, तो जीडी है ना। और इसके अलावा जो है कंपाउंड है जो ऐसा स्ट्रॉन्गली शो कर सकता है बिहेवियर, वो है CrO2, राइट। तो इसकी भी आपकी काफी ज्यादा हाई मैग्नेटिक मैग्नेटिज्म होगा, राइट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। थैंक यू।